हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये देखिए, हमने बिल्कुल रेड कलर के 6 टमाटर लिए हैं, जिनका वेट जो है वो 520 ग्राम के करीब है। छोटा सा चुकंदर का पीस लिया है, एक मैंने रेड एप्पल लिया है। तो इसकी हम क्या बनाने वाले हैं, बिना चीनी की सॉस, बिना शुगर के। तो पहले मोटा मोटा काट कर इनको एक पैन में डाल लेते हैं। ये देखिए, हमने पैन में गैस ऑन कर दी है, पैन में रख दी है टमाटर काट के। 2 स्लाइस हमने बीट रूट की भी काट ली है, और अब हम एप्पल भी काट के इसमें थोड़ी देर में डाल देंगे। एक मीडियम साइज का ना हमने एप्पल भी इसमें डाल दिया है। और ये एक तो आपको पहली बात ये है कि टमाटर आपको बिल्कुल लाल वाले लेने हैं और हाइब्रिड लेने हैं। देसी टमाटर आपने इसमें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हम चीनी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो देसी टमाटर खट्टा होता है, ठीक है ना। और चुकंदर हमने 2 स्लाइस डाले हैं कलर के लिए। ये देखिए, मैंने बिना पानी डाले ना स्लो गैस पर मैं इसको पका रही हूँ, और ये बिल्कुल थिक हो गया है, टमाटर सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। इसमें मैं डालूंगी ये थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्ची स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने आपको बोला है वो डालेंगे, और बस इनको मिक्स करेंगे। देखिए कितना ये सॉफ्ट हो गया। अगर आपके टमाटर ज़्यादा रसीले नहीं है ना, तो आप हल्का सा पानी भी इसमें डाल सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसे ही बनाने की। एप्पल, बीट रूट और टोमेटो, अभी हमने कोई भी ऐसी शुगर इसमें ऐड नहीं की है। थोड़ी देर और पकने देते हैं ढककर। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी 2 पिंच के करीब दालचीनी पाउडर। आप दालचीनी स्टिक भी डाल सकते हैं, और 1/4 टीस्पून के करीब भुना जीरा पाउडर। ये दोनों भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, करीब करीब ये सॉफ्ट होने वाला है, और मैं गैस को ऑफ करूंगी फिर। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, और देखिए आप, बिल्कुल अच्छे से ये मैश हो गया है, और ठंडा होने देंगे, है ना। ठंडा होने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और कितने अच्छे से ये बिना पानी के बनी है। हमने पानी की एक बूंद नहीं डाली। पहले अच्छे से टमाटर वगैरह को धो के, और टमाटर, चुकंदर, एप्पल सबको अच्छे से धो के, और फिर हमने इसको डाला है इसमें, है ना, सुखा के। तो ये पहले पूरा स्ट्रेन करेंगे, इस तरह से आप इसको पूरा स्ट्रेन करेंगे, और स्ट्रेन करने के बाद मिलते हैं हम। छानने के बाद ना इसमें ये सब बच गया है, तो इसको हम हटा लेंगे। और ये देखिए क्या कलर है, बहुत ही बढ़िया है, लग रहा है ना यम्मी। अब ये देखिए, हमने इसको उबलना चढ़ा दिया है ना। वैसे ये पकी हुई, क्योंकि हमने इसमें ना पानी नहीं डाला, तो आप देख रहे हैं ना। लेकिन हम थोड़ा एक दो उबाल और लगा के प्लेट टेस्ट करके देखेंगे। ज़्यादा देर रखना है तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करना है। और मैं यहाँ आपको बताऊँ कि डायबिटीज़ वाले भी इसको खा सकते हैं। आप देखिए, अगर ये एक जार बन के तैयार होता है, तो कितना एप्पल जाएगा उसमें, और कितनी बीट रूट जाएगी, और टमाटो तो आपको पता ही है। तो कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं है जो हमने डाली है, तो खुशखबरी है डायबिटीज़ वालों के लिए। ये देखिए, अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, है ना। ये बिल्कुल तैयार है हमारी सॉस, और बहुत ही अच्छी है, यकीन मानिए मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। तो ठंडा होने के बाद हम इसको भरेंगे जार के अंदर। और ये देखिए, ठंडा होने के बाद हमने जार में इसको भर लिया है। आपको मैं दिखाऊं टेक्सचर, कलर और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है, देखिए। और ये आधा किलो की मैंने बनाई है, देखिए इस तरह से बिल्कुल नहीं रुक रहा है। आधा किलो की मैंने बनाई है, और प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बनाते हैं, तो आप विनेगर, वाइट विनेगर इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।